भारत संतों और धर्मात्माओं का देश माना जाता है, जिसमें कई तरह के संतों द्वारा देश और समाज को एक संस्कार दिया जाता है। इस कड़ी में देश के ऐसे महात्मा लोगों के बारे में जानकारी होना हम सभी को बहुत जरूरी है। ऐसे में आज मैं आपको कुछ संतों के जीवन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस संत महात्मा को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुके हैं और अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इनको तीन नामों से जाना जाता है, पहला बालाजी महाराज, दूसरा बागेश्वर महाराज और तीसरा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। इनके पिता श्री राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं और इनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम शालिग्राम गर्ग है और एक बहन है जिसका नाम रीता गर्ग है। यदि शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अपने ही गाँव छतरपुर से पूरी की। इसके बाद इन्होंने BA में ग्रेजुएशन किया हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी थी और अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। अब बात कर लेते हैं जया किशोरी जी की, तो यह एक कथावाचक और भजन गायिका हैं और आज के युग में बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के प्रति अपनी असीम भावना और भक्ति रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इनका रियल नेम जया शर्मा है और इनका जन्म 13 जुलाई 1995 में राजस्थान के एक छोटे से गांव सुजानगढ़ में एक गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया नाम के आगे किशोरी जी की उपाधि इनके गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र जी ने दी है। इनके माता का नाम गीता देवी हरितपल है और इनके पिताजी का नाम शिव शंकर शर्मा है। आपको बता दें कि जया शर्मा जी की एक छोटी बहन है जिनका नाम चेतना शर्मा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, जो आज हर घर की शान बन गए हैं क्योंकि इनकी कथा लगभग हर घर हर क्षेत्र में TV या मोबाइल के माध्यम से चलता ही रहता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का जन्म 27 सितंबर 1979 में मध्य प्रदेश के दोमो जिले के रिंजवा नामक गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी है जिनको लोग गुरु माँ के नाम से जानते हैं और आचार्य जी की 2 बेटी भी हैं और अनिरुद्धा जी महाराज के गुरु जी का नाम है श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज। अब बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज की, जिन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इनका रियल नेम अनिरुद्ध कुमार पांडे है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी है और पिता का नाम श्री शंभु पांडे था और इनके गुरु जी का नाम श्री गौरवी शरण जी महाराज है। इनके दादाजी भी सन्यासी थे जिसकी वजह से इनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। इनका पूरा परिवार संत होने की वजह से इनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था और हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर इनके मन और हृदय में अध्यात्म की बातें बैठ गईं और इन्होंने 13 साल की उम्र में अपने घर को त्याग दिया था और आज इनकी लगभग उम्र 60 साल की है। अब बात कर लेते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की, जिनका रियल नेम जगदीश जग्गी वासुदेव है। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर जिले में हुआ था। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी एक लेखक हैं जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की एक लाभ रहित संस्था है जिसका नाम ईशा फाउंडेशन है। यह संस्था मानव सेवा में तथा योग सिखाने का काम कर रही है। यह संस्था विश्व के कई देशों में काम करती है जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इनके पिता का नाम डॉक्टर वासुदेव था जो भारतीय रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे।
सदगुरु जी की एक भाई और दो बहनें हैं और सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने सन 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया था, लेकिन सन 1997 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम राधे है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा।